हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेडीज़ दुनिया चैनल। मैं आज आपको एक अलग तरीके का करी लीव्स की चटनी जो रहती है इसे मैं सिखाने वाली हूँ। पहले भी मैंने एक करी लीव्स की चटनी बनाई है, वो अलग था और एक अलग रेसिपी है, तो एक अलग चटनी है। तो फिर इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। तो फिर चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे करी लीव्स को अच्छी तरीके से वॉश करके ले लिया है, इसे ड्राई कर दिया है कम्प्लीटली। इसे मैं यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। लगभग 2 स्पून ऑयल डाल देते हैं और जो करी लीव्स है इसे हम ऐसे डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक ये क्रिस्पी न बन जाता है तब तक इसे फ्राई करना है कंटिन्यूसली, या फिर बीच में इंटरवल में इसे ऐसे हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से हर जगह पक जाए, क्रिस्पी हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे ट्राई करेंगे, इसे तोड़ के देख लेते हैं। ये टूट रहा है तो फिर ये रेडी हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब हम सेम कढ़ाई यूज़ करेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है और तेल गरम होते ही कोरिएंडर सीड्स डालेंगे लगभग 2 स्पून और 1 स्पून जीरा डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और रोस्टेड चना ग्राम डालेंगे लगभग 2 कप्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोस्टेड चना ग्राम को बहुत ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है, चलेगा, ये ऑलरेडी रोस्टेड रहता है। तो फिर 1 से 2 मिनट तक इसे मैंने रोस्ट करने के बाद इसे निकाल दिया है और मैं यहाँ पे दूसरे पैन में तिल को, या फिर इसे भी सिसमे सीड्स कहा जा सकता है, इसे हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्रैकल हो रहा है और खुशबू तो लाजवाब आती है इसकी जब इसे हम रोस्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी साउंड और कैसे पट रहा है। इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। अब ये भी हो चुका है, इसे भी अब हम निकाल देते हैं। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, कम्प्लीटली पाउडर बनेगा ईजीली। ये अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। मिक्सर चलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ग्राइंड करना है अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स और बीच में गैप देना है। फिर से ग्राइंड करते हुए इसे ऐसे पाउडर जैसे बना देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी करी लीव्स की जो चटनी रहती है बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे चपाती, रोटी या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर आपको ये रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप मिस ना कर पाए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक